और इस वक्त की बड़ी खबर, अलवर के लक्ष्मणगढ़ से बोरी की चीरी में गिरा बाल 5 वर्षीय बालक जिसका सफल रेस्क्यू कर लिया गया है। सूचना मिलते ही तमाम अधिकारी पहुंचे हुए थे, एसडीआरएफ के जवान भी जल्द ही पहुंचने वाले थे, टीम को रवाना कर दिया गया था, लेकिन सफल रेस्क्यू कर लिया गया। सबसे बड़ी रात की खबर, क्योंकि पूरा राजस्थान इस बात को लेकर दुआ कर रहा था कि जल्द से जल्द इस बच्चे को बचा लिया जाए। और सबसे बड़ी खबर, सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज आपको दे रहा है कि अब राहत की खबर है उस परिवार के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जो ये दुआ कर रहे थे, इस उम्मीद में थे कि जल्द से जल्द बच्चे को बचा लिया जाएगा, और बच्चे का सफल रेस्क्यू हो चुका है। अलवर के लक्ष्मणगढ़ से ये बड़ी खबर, बोरी के झीरी में 5 वर्षीय बालक गिर गया था, उसका सफल रेस्क्यू कर लिया गया। जैसे कि हमने आपको जानकारी दी थी कि उस बोरिंग के पास में ही खुदाई शुरू कर दी गई थी, और सबसे रात की बात यह भी तब मिल रही थी कि बच्चे से संपर्क साधा गया तो बच्चा लगातार जवाब दे रहा था। और ऐसे में अब ये बहुत बड़ा अपडेट, बहुत बड़ी राहत की खबर, परिवार वालों के लिए बहुत बड़ी राहत। सीनियर रिपोर्टर अश्विनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, जिस बात की उम्मीद थी, दुआ की जा रही थी, आखिरकार वो पूरी हुई, सफल रेस्क्यू हो गया है, जरा अपडेट कीजिएगा। पूनम, बड़ी सफलता मिली है, और ना केवल परिजनों के लिए खुशी की बात है, रेस्क्यू करने वाली पूरी टीम के लिए, जो लोग मौके पर थे, खासतौर पर अलवर कलेक्टर की मॉनिटरिंग थी, एसडीएम और डीएसपी मौके पर थे, एसएसपी से मौके पर थे, सब लोगों की मेहनत ने बच्चों को सकुशल बाहर निकाल लिया है। मेडिकल टीम मौके पर है, बच्चे की जांच कर रही है, और उसके बाद एक बार अस्पताल लाया जाएगा। बच्चे को ये कह सकते हैं कि सकुशल बच्चा बाहर निकल गया है, बाहर निकाल लिया गया है, और इसमें बच्चे का खुद का भी अपना एक योगदान रहा है, क्योंकि लगातार जब बच्चा गड्ढे में था, लगातार। अश्विनी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, मोहकम सिंह सिंसिनवार एसडीएम जुड़ चुके हैं लक्ष्मणगढ़ से, उनका रुख करते हैं। मोहकम जी, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत भी है, और जिस तरीके से सफल रेस्क्यू हुआ है उसके लिए बधाई भी, क्योंकि हम सब भी यही दुआ कर रहे थे कि बच्चा जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर निकल जाए। जरा जानकारी दीजिएगा सर, ये कैसे संभव हो पाया? जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और ये सब इसके लिए सबकी दुआ है कि प्रयोग उसका सहयोग से, और यहाँ स्थानीय स्तर पर स्थानीय प्रशासन और सबके सहयोग से ये रेस्क्यू सफलतापूर्वक संपन्न हुआ जी। और यहाँ जो ट्रेडिशनल के रूप से जैसे ग्रामीण करते हैं, तो वो साइड में मूल जो उनका बोरिंग था जिसमें ये पानी के लिए काम आता था, वो तो पैक था, कोई होल नहीं था। साइड में पहले बरसात की वजह से कोई उसमें कोई बन जाती है, झरी बन जाती है जी, और ऊपर से वो मिट्टी रहती है, वो उसमें वहां खेलता खेलता चला गया और वो मिट्टी धस गई, धस करके, और वो साइड में जो उनका ट्यूबवेल था उसके साइड में जो झरी थी उसमें वो फंस गया जी। उसके बाद ये लक्ष्मणगढ़ के नजदीक ही था, 500-600 मीटर की दूरी पर, वहाँ के नगर पालिका और मेडिकल की टीम भी आई, और वहाँ के स्थानीय जो लोग आए, और जेसीबी मंगाई, जेसीबी से साइड में खुदाई की गई, इधर जो उनका बोरिंग था उसको जनरेटर लाए गए। मोहकम जी, क्योंकि ये तो आपने डिटेल में बता दिया कि किस तरीके से बच्चा गिर गया था और कैसे सफल रेस्क्यू हुआ, लेकिन सर गंभीर विषय ये है कि इस तरीके की दुर्घटनाएं आगे भी हो सकती है, जांच का विषय होना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी लापरवाही भी रही है। संपर्क उनसे कट गया है, लेकिन उन्होंने फर्स्ट इंडिया न्यूज से बातचीत भी की और पूरे तरीके से डिटेल बताई है। हमारे सीनियर रिपोर्टर अश्विनी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अश्विनी, आपने एसडीएम साहब को सुना, मोहकम जी को, उन्होंने पूरे तरीके से डिटेल दी है, लेकिन अब बच्चा जब सफल तरीके से उसका रेस्क्यू हो गया, बाहर आ गया है, अब लापरवाही किसकी थी, वो जमीन किसकी थी, कैसे बच्चा गिर गया, वो बोरिंग कैसे खुला हुआ था, इसकी भी जांच होनी चाहिए, इस पर किस तरीके से प्रशासन देखेगा, इसे लेकर कोई जानकारी मिल पाई? जिस तरह एसडीएम मोहकम चौधरी बोल रहे थे, उनकी आवाज से लग रहा था कि बड़ी मशक्कत के बाद और बड़ी चिंता के साथ जो लोग वहां मौजूद थे, उन्होंने बच्चे को बचाने की कोशिश की और सकुशल बचा लिया गया, दुआएं काम आई, मेहनत काम आई, लेकिन अब बच्चा सकुशल है। अब दूसरी बात यह है कि गड्ढा कैसे बना, इसके निश्चित तौर पर इस पर निगाह होनी चाहिए। ये खुद की जमीन है, जो बच्चा है उसके पिता की जमीन है, बताया जा रहा है कि उसके पिता भी नजदीक ही खेत में था, बच्चा वहां पर था, दूसरी खेत के में जो बोरिंग है वहां से पानी आ रहा था, और ये जो गड्ढा बना ये
पुराना एक कुआ था, उसमें पानी रिसने की वजह से जो कटाव खा लेती जमीन, उसमें एक गड्ढा बना है। वो कटाव कारण 30-40 फुट गहरा गड्ढा था, इसको बंद किया जाना चाहिए था, मिट्टी डाली जानी चाहिए थी, उसको बराबर किया जाना था, लेकिन वो समय पर नहीं किया गया। इस कारण से पूरी घटना हुई, इसको लेकर जांच होनी चाहिए। और इस तरह की फील्ड में मॉनिटरिंग कैसे बढ़ाई जाए, कैसे देखा जाए, और कोई गाइडलाइंस भी इसे लेकर होनी चाहिए, इस पर भी प्रशासन को सोचने की जरूरत है। आप जरा अश्विनी ये बताइएगा, कितने घंटे में ये रेस्क्यू सफल हो गया है? देखिए, 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया, हालांकि अभी सही टाइम देखना होगा, पर प्रशासन का जिस तरह कहना है कि पहली कोशिश किस बदला से कुशल आए उसमें सफलता मिल गई है, बाकी चीजों पर जांच हो। जो आपने कहा कि इस पर मॉनिटरिंग होनी, स्थानीय स्तर पर पंच सरपंच जो पंचायत राज के प्रतिनिधि हैं उनकी ओर से मॉनिटरिंग होनी चाहिए, पटवारी होता है, कानून का होता है, एसटीआई होता है, इनकी एक मॉनिटरिंग होनी चाहिए, क्योंकि रेवेन्यू विभाग की अपनी एक टीम है और ओवरऑल जो जमीन के मालिक है वो सरकार है, तो उनकी भी कुछ जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। कई बार ये जो जमीन है ये इस बच्चे के पिता की जमीन है, कोई पिता नहीं चाहता कि बच्चा गड्ढे में गिर जाए, लेकिन लापरवाही, अज्ञानता समेत कई ऐसे कारण हैं जिसके कारण घटनाएं घटती हैं। दूसरों को अश्विनी सबक मिलता नजर आएगा, क्योंकि बेजुबान भी जानवर, कई यहाँ पर मवेशी होते हैं घूमते, वो भी गिर सकते हैं। ये तो जैसे कि जानकारी दी यहाँ पर एसडीएम साहब ने कि पिता पास में ही मौजूद था, इसलिए उसे जानकारी मिल गई। कई बार जानकारी बहुत देर से मिलती है और एक अनहोनी भी हो सकती थी, ऐसे में लापरवाही तो है। और जैसे कि आप भी कह रहे हैं कि मॉनिटरिंग को बढ़ाया जाना चाहिए, फील्ड स्तर पर पंच सरपंच या किसी की भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, तो ये कैसे संभव हो पाएगा? निश्चित तौर पर राजस्थान में मुख्यमंत्री संवेदनशील है और सीएस सुधांश पंत जो है वो भी इस पूरे मामले को लेकर संवेदनशील है। निचले स्तर पर जो कर्मचारी हैं, रेवेन्यू के जो कर्मचारी हैं, लगातार उनको लेकर उनके निर्देश आते रहते हैं। इसको लेकर भी स्थानीय स्तर पर सबसे ज्यादा एक्टिव रहने वाले पटवारी और ग्राम पंचायत का जो वीडियो होता है, ग्राम विकास अधिकारी, सबसे पहले अगर उन्हें इस बात को लेकर निर्देशित किया जाए, ये कोई मॉनिटरिंग तय की जाए और लापरवाही में कुछ सजा भी तय की जाए, अगर ये होता है तो निश्चित तौर पर इन घटनाओं में कमी आएगी। साथ ही जो पंचायत राज प्रतिनिधि हैं, वो चूंकि प्रत्येक घर को, प्रत्येक गांव को, मोहल्ले को जानते हैं, कौन सी जगह पर गड्ढा हो गया, कौन सी जगह पर नहीं हुआ, वो सब चीज जानते हैं। पटवारी की जिम्मेदारी है कि कौन से खेत में कौन सी फसल बोई, बिल्कुल, और जो जिनकी जमीन है वो भी सूचित कर सकते हैं पटवारी को। और अश्विनी जरा ये बताइए कि अभी जानकारी मिल पाएगी कि बच्चे की हालत कैसी है, क्योंकि मेडिकल व्यवस्था भी वहां पर माकूल कर दी गई थी, तो किस तरीके से उसकी जांच की जा रही है, क्या वो अभी बोल पा रहा है, डरा हुआ, सहमा हुआ है, परिवार वालों से किसी से कोई बातचीत हो पाई? देखिए, परिवार पूरा बहुत सहमा हुआ था, बहुत परिवार इससे पहले डरा हुआ था, जब बच्चा सकुशल बाहर निकला है तो खुश जरूर है, लेकिन अभी बात करने की स्थिति में नहीं है, बच्चा सहमा हुआ है। मेडिकल की टीम बच्चे की जांच कर रही है, बच्चे को बहुत ज्यादा कोई ऐसी चोट नहीं आई है मेडिकल टीम के अनुसार, लेकिन कुछ समय लगेगा बच्चे को एक बार इस घटना से उभरने के लिए, कुछ घंटे के बाद शायद हम बच्चे से भी बात कर पाए और परिवारों जनों की जो बात है वो भी आपको दिखा पाए। वहीं एसडीआरएफ की टीमों को भी रवाना कर दिया गया था, 2 टीमें जो थी भरतपुर से और जयपुर से, क्या उन्हें भी सूचित कर दिया गया है, इसे लेकर कोई जानकारी? टीमों को वापस बताया गया है, अलवर जिला कलेक्टर कार्यालय से वापस कहा गया है कि बच्चे को सकुशल निकाल लिया गया है। एसडीआरएफ की टीम थी, एनडीआरएफ की टीम थी और सिविल डिफेंस की टीम थी, तीनों टीमें दोनों जिले से मौके के लिए रवाना हुई थी। तीनों जो दोनों जिलों की टीमें हैं उन्हें कह दिया गया है और उन्हें शायद वापस जाने के लिए कहा गया है कि अब उन्हें मौके पर पहुंचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मौके पर स्थानीय लोगों के सहयोग से, स्थानीय प्रशासन के सहयोग से बच्चे को सकुशल निकाल लिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, और साथ में ये भी जानकारी दीजिएगा कि अभी कौन कौन मौजूद है अधिकारी, और दूसरी तरफ क्या इस गड्ढे को भरने की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी, इसे लेकर कोई बातचीत हो पाई है? जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता है, उन्होंने कहा है कि इस गड्ढे को आज ही भरने के निर्देश दिए हैं, कि मौके पर जो मशीनें हैं जेसीबी और वो पहले उस गड्ढे को भरेंगी, उसके बाद मौके से रवाना होंगी, ये निर्देश दिए गए हैं। अलवर जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता और एसपी अनंत शर्मा भी मौके के लिए रवाना हुए थे, लेकिन उससे पहले बच्चे को सकुशल निकाल लिया गया है। अभी मौके पर एएसपी प्रियंका रघुवंशी हैं, एसडीएम हैं जो फर्स्ट इंडिया से बात कर रहे थे, डीएसपी मौके पर हैं और बाकी जो स्थानीय अधिकारी, तहसीलदार और बाकी जो वो अभी मौके पर मौजूद हैं। अश्विनी, क्योंकि साथ में एक बार फिर से विस्तार से बताइएगा, 2 घंटे के लगभग ये रेस्क्यू चला है जो कि सफल रहा, बहुत जल्द हम ये कहेंगे, हालांकि 2-2 सेकंड जो थे वो बहुत कीमती थे, लेकिन 2 घंटे से ज्यादा यहां पर चला ये रेस्क्यू और सफल रहा, लेकिन प्रोसेस पूरा क्या रहा, किस तरीके से खुदाई शुरू हुई और फिर कैसे बच्चों को निकाला गया, इसकी कोई जानकारी मिल पाएगी?
देखिए पूनम, ये अपने पिता के साथ खेत पर था, पिता बच्चे से कुछ दूरी पर थे और ये जो गड्ढा बना हुआ था ये एक पुरानी बोरिंग या कुई थी, उसके पास में बारिश का पानी जब उसमें धंसा तो कटाव हुआ और एक गया। उस गड्ढे को बंद नहीं किया गया, बच्चा वहां पर मौजूद था, बच्चा उस गड्ढे में गिर गया, फिसला और वो करीब 20 फुट से ज्यादा गहराई पर चला गया। पिता को पता लग गया, लोगों स्थानीय लोग एकत्रित हुए, पिता और परिजन चिंतित थे, स्थानीय लोगों ने कोशिश की, प्रशासन को सूचना मिली, उसके बाद एसडीएम डीएसपी समेत एएसपी और बाकी जो लोग हैं वो मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचने के बाद ये रेस्क्यू पूरा शुरू किया गया। अलवर जिला कलेक्टर और एसपी समेत प्रदेश से भी जब ये सूचना हुई कि ऐसी घटना हुई है तो कहां कहां से टीमें रवाना की जा सकती हैं उनको भेजा गया, एम्बुलेंस को मौके पर भेजा गया, मेडिकल टीम को मौके पर भेजा गया ताकि बच्चे को कोई भी दिक्कत हो तो मौके पर ही उसे इलाज की व्यवस्था उससे मिल सके। लगातार बच्चे से जब बात की गई तो बच्चा संपर्क में था, कोशिश की जा रही थी बच्चे को लगातार मोटिवेट करने की कि कैसे। बिल्कुल बिल्कुल अश्विनी, मैं यहाँ पे रोकना चाहूंगी, उस वक्त की तस्वीरें दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिवली फर्स्ट ऑन फर्स्ट इंडिया, कैसे ये मासूम जिंदगी की जंग जीत गया। ये तस्वीरें वाकई में जागरूक करने वाली, एक संदेश दे रही है कि एक छोटी सी लापरवाही कैसे मासूम पर भारी पड़ गई और ये आगे भी हो सकता है। जरा देखिए कैसे बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और ऐसे में बच्चे की हिम्मत की दाद देनी होगी क्योंकि बेहद छोटा बच्चा 5 साल का जिसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं, खेलता हुआ पिता की जमीन थी और न जाने कब ये गड्ढा इतनी बड़ी सुरंग तक में बदल गया। ये बोरिंग थी, बारिश के पानी की वजह से मिट्टी नमी के कारण ढह गई और बच्चा उसमें नीचे फंस गया। 20 फीट के अंदर तक बच्चा फंसा हुआ था, पास में खुदाई की गई और जरा देखिए कैसे ये सफल रेस्क्यू रहा, किससे कैसे ये रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हो गया। हर किसी की दुआ उम्मीद यहां पर कामयाब हो गई, दुआ कबूल कर ली गई और ऐसे में वो छोटा सा मासूम बच्चा हिम्मत के साथ डटा रहा। उनके माँ बाप जो कि लगातार दुआ कर रहे थे, पूरे राजस्थान के लोग, आसपास के लोग ग्रामीण इकट्ठा थे और ये उस वक्त की तस्वीरें, हालांकि तस्वीर हर किसी को याद रहेगी जहन में क्योंकि आंखें जरा देखिएगा बच्चे की, वो मासूम चेहरा देखिएगा, पूरा मिट्टी में लथपथ है क्योंकि नीचे पानी भी बहुत ज्यादा था, बारिश का पानी था, गीली मिट्टी से पूरे तरीके से जकड़ा हुआ और ऐसे में मेडिकल व्यवस्था माकूल कर दी गई थी ताकि जैसे ही बच्चा निकले उसके स्वास्थ्य की जांच की जाए, उसके ऑक्सीजन कितना परसेंटेज वो ले रहा है वो भी जांच की जाए और आगे भी उसकी जांच कुछ दिनों तक जारी रहेगी। एसडीआरएफ भी मोर्चा संभालने वाला था क्योंकि टीमें रवाना कर दी गई थी लेकिन उससे पहले ही रेस्क्यू सफल हो गया। इससे बड़ी राहत की बात कोई नहीं हो सकती। ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास, हालांकि ये तस्वीर अभी जितनी अच्छी लग रही है, जरा सोचिए 2 घंटे उस बच्चे ने क्या कुछ सहा है, उस परिवार ने क्या कुछ सहा है, यहाँ के आसपास के ग्रामीणों ने कितना कुछ सहा, उस माता पिता ने क्या कुछ सहा और पिता को एक सबक भी मिल गया कि हालांकि जमीन उसकी थी, वो अभी जरूर सोच रहा होगा कि उसने जिंदगी में नहीं सोचा होगा कि वो गड्ढा उसी की मासूम पर जान पर भारी पड़ जाएगा। हालांकि अब सवाल ये है कि लापरवाही बहुत ज्यादा है, ऐसी और ज्यादा जमीनें हो सकती है जहां पर इस तरीके के गड्ढे हो सकते हैं, बोरिंग खुली ना हो, बोरिंग की झिरी जिस तरीके से खुली थी, ये तस्वीरें जरा देखिएगा कैसे तुरंत बच्चे के परिवार वालों ने बच्चे को संभाला, बच्चे को कितनी बड़ी राहत है लेकिन इस हिम्मत की दाद देनी होगी इस बच्चे को क्योंकि वो रोया नहीं है बिल्कुल भी, डरा सहमा जरूर है, वो ये देख रहा है कि किस तरीके से लोग खड़े हैं उसके लिए, उसे बचाने के लिए उसके माता पिता मौजूद थे और शायद यही उसकी हिम्मत बंधी हुई थी, परिवार वालों की हिम्मत भी इसलिए बंधी हुई थी क्योंकि वह लगातार जवाब दे रहा था। वहीं एसडीएम साहब से भी उन्होंने बातचीत की, हालांकि व्यवस्था पूरी थी इस लक्ष्मणगढ़ में उस इलाके में, लेकिन अब बड़ा सवाल ये कि जो लापरवाही यहां बरती गई है अब आगे इस तरीके की तस्वीरें ना बने। अश्विनी हमारे सहयोगी अमर लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं, बने हुए हैं हमारे साथ। अश्विनी ये तस्वीरें बेहद सुखद है, बेहद खूबसूरत जो ये तस्वीर लग रही है, 2 घंटे उतनी ही मुश्किल हर किसी के लिए बनी हुई थी, सांसद में जान आ गई थी, अपडेट जरा कीजिएगा कि अभी बच्चे की हालत कैसी है। देखिए पूनम, सबसे पहले जब ये खबर आई और फर्स्ट इंडिया ने खबर दिखाई कि इस तरह बच्चा झीरे में गिरा है, हर शख्स ये चाहता था कि ऐसी तस्वीरें जो अब देख पा रहा है, उसकी कल्पना की थी कि सुखद तरीके से ये तस्वीरें देखे, सकुशल बच्चा बाहर लाया जाए, जिंदा रहे और वो तस्वीरों को देखे, वो ठीक बच्चा सकुशल है, बाहर निकाल लिया गया है। अलवर कलेक्टर ने कहा है कि बच्चा
ठीक है और उसे अलवर अस्पताल तक लाने की जरूरत नहीं है, लक्ष्मणगढ़ अस्पताल में ले जाया गया है और लक्ष्मणगढ़ में चिकित्सकों ने एक बार जांच करने के लिए कि कहीं और कोई चोट तो उन्हें नहीं लगी है वो एक कोशिश की गई है। जो आप तस्वीर में आप देख रहे हैं वो एक शख्स है जो बच्चे को गोद में लेकर बाहर निकल रहा है और उसने रस्सा बांधा हुआ है, आपने अगर तस्वीर साफ तौर पर दिख रही है तो तस्वीरों में ये स्थानीय व्यक्ति है और जब बच्चा नीचे तक आ गया तो उसके बाद जो शख्स जो है वो उस गड्ढे में नीचे उतरा है, रस्सा बांध कर नीचे उतरा और बच्चे को लेकर बाहर निकला है। गाँव वालों ने खास तौर पर बहुत इसमें मेहनत की है, दुआएं की है और बच्चे को बाहर निकाला है। ये सुखद तस्वीरें हैं और बहुत बार ऐसा हुआ कि ऐसी तस्वीरों से कई बार महरूम रहना पड़ता है कि बड़ी घटना हो जाती है, लेकिन दो घंटे का वक्त था, बच्चा सहमा हुआ था बच्चा, लेकिन फिर भी मोटिवेट किया गया। लगातार बच्चे से परिजनों की बात कराएगी गड्ढे के बाहर से कि लगातार परिजन जो है वो बच्चे से बात करते रहे ताकि बच्चा मोटिवेट होता रहे और इस कोशिश में हो कि अभी मुझे मैं परिवार वालों से मिल लूंगा और वो हुआ कि अभी वो परिवारों से मिल रहा है, अस्पताल में लाया गया है लक्ष्मणगढ़ में और यहाँ चिकित्सकों ने सही करार दिया है कि वो स्वास्थ्य जो है बच्चे का वो ठीक है। बिल्कुल अश्विनी, आपने बिल्कुल विस्तार से जो जानकारी दी है वो तस्वीरों के जरिए हम दिखा भी पा रहे हैं, लेकिन बिल्कुल इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है कि माता पिता का सहयोग रहा, बच्चे का उतना ही सहयोग रहा, क्योंकि 5 वर्षीय मासूम बच्चा है और कोई थोड़ी सी भी चोट लग जाती बच्चा डर जाता है, लेकिन ऐसे में बच्चा कितना सपोर्ट करता रहा, कितनी हिम्मत दिखाता रहा, हालांकि डरा सहमा है रोया भी होगा, लेकिन अभी की जो तस्वीर है वो वाकई में बहुत सुखद तस्वीर अश्विनी हम दिखा पा रहे हैं और एक सबक लेने की जरूरत है ऐसे लोगों को, ऐसे ग्रामीणों को, ऐसे किसानों को जिनकी जमीन में अभी भी इसी तरीके के गड्ढे खुदे हुए हैं, बारिश का पानी जमा है या बोरिंग खुली हुई है, तो ऐसे में अश्विनी उनको जागरूक करने की जरूरत, और ऐसे में क्या कुछ उनको कहना होगा अश्विनी जरा अपनी जुबानी बताइएगा। देखिए ये अलवर का बच्चा तो बच गया, ये सुखद तस्वीरें तो आप देख पा रहे हैं और जो हमारे दर्शक हैं वो देख पा रहे हैं, लेकिन ये अपील फर्स्ट इंडिया उनसे करता है कि इस वक्त गर्मी के दिन है, फसल कट चुकी है, पूरी तरह से खेत खाली है, आसपास की जमीनें खाली हैं, अगर उन्हें कहीं भी लगता है कि यहाँ कोई गड्ढा है उसे भरा जाना चाहिए तो बारिश का मौसम आने से पहले या ये कहें कि जो गड्ढा है उस तो आज ही भर दिया जाना चाहिए, एक कोशिश होनी चाहिए। प्रदेश सरकार की ओर से भी, प्रशासन की ओर से भी एक पत्र जारी होना चाहिए सभी सरपंचों के लिए, सभी एसडीएम्स के लिए कि एक बार फिर, हालांकि पहले भी हुआ है और ये रिपोर्ट्स कराई गई हैं प्रत्येक पटवारियों से, ये रिपोर्ट कराई गई कि अगर आपके इलाके में कोई गड्ढा, कोई कुआ, कोई बोरिंग अगर खुला मुंह वाला है तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी अगर उसमें कोई हादसा ना हो जाए, क्योंकि कोई जानवर भी गिर सकता है और कभी ऐसी घटनाएं फिर से हो सकती है, ये लापरवाही फिर से नहीं होनी चाहिए। ये बेहद सुखद तस्वीरें बता रहे हैं, जिंदगी की जंग ये 5 वर्षीय मासूम बच्चा जीत गया, लेकिन इसमें हर किसी की मेहनत नजर आई, इसमें हर किसी की दुआ नजर आई और वही तस्वीरें दिखा रहे हैं, बेहद सुखद तस्वीरें और बड़ी खबर, अहम तस्वीरें फर्स्ट इंडिया न्यूज पर। बहुत शुक्रिया अश्विनी विस्तार से जानकारी देने के लिए।